नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने यूपीपी जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है उससे रिलेटेड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जहां बच्चों के बहुत से कॉन्फ्यूज़न हैं कि क्या जो पीसीएम कर चुके हैं 10+2 में, उसके बाद से उनके पास ओ लेवल के समकक्ष डिग्री है वो मान्य होंगे, या अगर जो डिप्लोमा है चाहे हायर डिग्री है तो उनके लिए पीसीएम जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो उससे पहले सभी लोग जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और ध्यान से सुन लें कि जो अभी आपका यूपीपी कांस्टेबल का 26,000+ आपकी वैकेंसी आने वाली है, आज उसका टेंडर फाइनल होने वाला था लेकिन किसी कारणवश 22 तारीख को होगा, और जल्द ही इस यूपीपी कांस्टेबल के लिए टीम परीक्षा प्लस एक बहुत बड़ा उपहार आपके लिए लेकर आएगी और जल्द ही सूचित करेगी। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसकी अर्हता के बारे में, कि शैक्षिक अर्हता से जो कन्फ्यूजन आप लोगों में बनी हुई है, पीसीएम के साथ अगर मेरा ये है तो क्या चल जाएगा, मैंने ओ लेवल किया है, बीसीए किया है और पीसीएम से नहीं किया है, पीसीबी से किया है, तो वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो शैक्षिक अर्हता है आपकी जो दी गई है नोटिस में, जो आपका नोटिफिकेशन है 2016 में जो आया था और 2019 में जो बैकलॉग वैकेंसी के साथ आया था उसी में से मैंने निकलवाया है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए क्या लिखा है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा भौतिक मतलब फिजिक्स शास्त्र भौतिक से भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स से और गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मेन ये नहीं है कि पीसीएम पीसीबी, देखिए कुछ लोग होते हैं जैसे सीबीएसई में आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेकर कर सकते हो, 5 की जगह 6, 7, 8 कर सकते हो सब्जेक्ट को, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो परसेंटेज होता है वो 5 ही सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पर कोई फिजिक्स या फिजिक्स और मैथ दोनों आपने पढ़ा है इंटरमीडिएट में, आप चाहे कॉमर्स के विद्यार्थी हो चाहे बायो के हो, बायो वाले हैं तो बाद में क्या करते हैं, मान लो एक सीबीएसई में तो चलता है मैथ और बायो दोनों साथ में लेके चल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने बाद में मैथ एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, मान लो कोई पीसीबी है और मैथ का सिंगल सब्जेक्ट से 12th पास किया है, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि वो उसका भी जो इंटरमीडिएट हो जाएगा उसमें भौतिक और गणित का सब्जेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मतलब एक तरह से कहें सिंपल वर्ड में कि अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, क्योंकि जनरली फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले पीसीएम ही होते हैं, ठीक है, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो 12th में, और साथ ही दूसरा क्या बोला है, और आपके पास ये होना चाहिए 12th पीसीएम से होना चाहिए, साथ ही भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्रेडिटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डोएक से या नीलेट से, ठीक है, क्या होना चाहिए आपका ओ लेवल अगर आपके पास है या उसके समकक्ष बोला गया है। तो समकक्ष जो एएसआई के लिस्ट में आपके नोटिफिकेशन में आया था, मैं वो बता दूंगा कौन कौन से समकक्ष हैं। समकक्ष का मतलब कि अगर आप 12 पीसीएम से किए हो उसके बाद से आपने ग्रेजुएशन के किसी भी साल में 1 साल तक लगातार कंप्यूटर पढ़ा है तब आप ओ लेवल के समकक्ष हो जाओगे। ठीक है, आपने डीसीए किया है बीसीए किया है तभी भी आप ओ लेवल के समकक्ष माने जाओगे, बीटेक बीएससी ये सब तो ओ लेवल के समकक्ष होंगे। तो ये इस बात को जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पीसीएम जरूरी है, पीसीएम के बाद ओ लेवल के इक्विवेलेंट जो डिग्रियां हैं, जैसे ओ लेवल के इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो बीसीए, बीसीए ओ लेवल से ऊपर की डिग्री है इसीलिए बीसीए कंसीडर की जाती है। बच्चों का यहां एक कंफ्यूजन ये है कि सर मैंने पीसीबी से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है मेरे पास और मैंने ओ लेवल नहीं किया है, मैंने बीसीए किया, तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा? ठीक है, नहीं, आप एलिजिबल नहीं होगे, इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर आपने मैथ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है 10+2 में तब आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है, बीसीए के लिए। लेकिन अभी बीसीए वाला हो सकता है, अगर बीसीए को बीटेक सीएस के कंपैरिजन में मान लिया जाए तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन अभी के फिलहाल में नहीं हो सकते हो। जब तक आपने अगर बीसीए जो करने से पहले आपका इंटरमीडिएट पीसीबी से है या कॉमर्स से है तो दिक्कत आपके साथ हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ओ लेवल के इक्विवेलेंट तो आपका बीसीए है लेकिन उसके पहले आपका मैथ्स होना जरूरी है। ठीक है, आप एमसीए किए हो चाहे कुछ भी किए हो, अदरवाइज कोई भी कोर्स किए हो, आप बीकॉम पढ़ रहे हो और बीकॉम में आपने 2 साल लगातार कंप्यूटर पढ़ा है और आपने जो है 12th जो है पीसीएम से नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना।
ठीक, तो इस बात को ध्यान रखो, ओ लेवल के समकक्ष मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सी डिग्रियां होती हैं। यहाँ ओ लेवल के समकक्ष ये चलेंगी, समकक्ष और उसके ऊपर डीसीए बीसीए आईटीआई कोपा जो लोग करते हैं वो भी ओ लेवल के समकक्ष है, लेकिन पहले आपका 10+2 पीसीएम से होना जरूरी है। उसके बाद से अगर आप 10+2 पीसीएम से नहीं हो, इस बात को ध्यान रखो, अगर 10+2 पीसीएम से नहीं हो उसके बाद आपके पास ये है, जैसे क्या कि कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना प्रौद्योगिक या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता हो। मतलब 10+2 में आपने पीसीएम नहीं लिया है, भाई जाहिर सी बात है अगर कोई पीसीएम नहीं लेगा तो डिप्लोमा टेक्निकल एजुकेशन कैसे करेगा, वो तो उसके पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली होगा ही होगा। कहने का मतलब यह है अगर आपने डिप्लोमा किया है, किसमें डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा अगर आपने सीएस में किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है या आईटी से किया है, ठीक है, सीएस और आईटी से अगर आपने डिप्लोमा किया या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, इन तीनों के डिप्लोमा अगर आपने मान लो 10+2 के बाद, जो बच्चे क्या होते हैं 10 के बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं जो 10+2 के 10 के बाद ही कर लेते हैं जो, वो एलिजिबल होंगे क्योंकि उनका ट्रेड अगर ये है तो सीएस आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के समकक्ष जो ब्रांच होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, ये सब ब्रांचेस हैं, तो आप क्या कराओगे एलिजिबल हो। या आप कोई भी 3 साल का 2 साल का डिप्लोमा किए हो, ठीक है, आपने 3 साल या 2 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर स्ट्रीम से या आईटी स्ट्रीम से या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम से, तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ भाई जो बीटेक करेगा तो उसका 10+2 तो जाहिर सी बात है मैथ और फिजिक्स से होगा ही होगा, मतलब पीसीएम का स्टूडेंट होगा, तो बीटेक सीएस आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है एलिजिबल है। इस बात को ध्यान रखना, सीएस आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपके स्ट्रीम है एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और हायर डिग्री, देखो डिप्लोमा मांगा है तो हायर डिग्री बीएससी सीएस ये भी एलिजिबल है, बीएससी आईटी ये भी एलिजिबल है, और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऑनर्स की डिग्री मिलती है वो एलिजिबल है इसके लिए, अगर आपके पास 10+2 में पीसीएम नहीं है। बिना पीसीएम के तो ये कर भी नहीं सकते हो, अगर पीसीएम नहीं है और आपने कोई डिप्लोमा किया हो, बस इतना जानो, 2 साल का या 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप वो भी इस ट्रेड से, तो आप एलिजिबल होगे, ठीक है। मगर अगर आपने, जो मेन कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों का कि सर मैंने कॉमर्स से पढ़ा है और बीसीए किया है तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा, नहीं, अभी के जो आपका आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आप नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपका 12th जो होना चाहिए वो उसमें मैथ एज ए सब्जेक्ट और फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम जगह जो बीसीए का मांगता भी है, कुछ जगह अलग अलग यूनिवर्सिटी का हारता होती है, 10+2 आपका मैथ से ही मारता है, मतलब पीसीएम ही मांगता है, इस वजह से, क्योंकि जो बीसीए वो अहार्ध तो हो, ऐसा नहीं है वो ओ लेवल के समकक्ष हो, लेकिन आप ये क्राइटेरिया नहीं पूरा कर रहे हो, ठीक है, कि आपका 10+2 जो होगा वो अगर पीसीएम से है और आपने बीसीए किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हो क्योंकि आप ओ लेवल के ऊपर की डिग्री रखते हो, लेकिन आपने कॉमर्स से पढ़ा है 10+2 या बायो से पढ़ा है 10+2 और आपने बीसीए किया है, तब आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर रेडियो ऑपरेटर में, जो ये बात अभी हम लोग लेके चल रहे थे कि अगर बीसीए वाला जो हमने अभी हमें इलेक्शन के बाद बुलाया गया है, बीसीए वाला अगर बीटेक सीएस के इक्विवेलेंट कर दिया जाता है तब आपकी भी समस्या खत्म हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। जैसे वहां पर डिग्री वाले में बोला गया ना डिप्लोमा सीएस आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स बिना पीसीएम के अलाउ है, उसी तरह अगर बीटेक सीएस का इक्विवेलेंट अगर ये हो जाता है बीसीए, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर में जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लेना हो सकता है कि ये भी काम कर जाए, ठीक। अगर इसके बाद भी आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपना कंफ्यूजन जरूर बताएं ताकि हम उसको पूर्ण रूप से सॉल्व कर सके। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।